ओके क्वेश्चन थ्री में आ जाइए थ्री नंबर अपने आप किया जा सकता था गोल्ड स्टार लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिशनल साइकिल्स रिसेंटली अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ओल्ड स्टाइल साइकिल्स जीएसएल एस असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स इलेक्ट्रॉनिक साइकिल समझ रहे क्या सलमान hmm? खान चलाते हुए पाया गया बहुत बार मैं जो बोलता हूँ आप लोग मेरे को ऐसे लुक देते हैं ना जैसे मैं कितना नया नया बात बताता हूँ दुनिया का सलमान खान बहुत बार साइकिलिंग करते हुए घूमता रहता है उसका वीडियो भी आता है यूट्यूब वगैरह में तो वो जो साइकिल चलाता है आप देखना वो साइकिल का पहिया मोटा होता है आजकल मोटा व्हील्स का साइकिल आने लगा है उसका रीज़न ये रहता है कि जितना मोटा व्हील का साइकिल रहेगा उसको पैडलिंग करना टफ़ होगा तो उससे एक्चुअली जो एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा फुलफिल होता है और फिर जो मान लो साइकिल रेसर होते हैं रेसिंग वगैरह में पार्ट लेते हैं अगर मोटा पहिया से आप प्रैक्टिस किए तो आपने आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है पैर में पैडलिंग करने का और फिर आप जब पतला वाला पहिया पे राइड करोगे तो आप और स्पीड में घुमा पाओगे आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा उसका ठीक है तो इसलिए भी नया तरह का साइकिल आ रहा है और उसमें भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल होता है इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मतलब चार्ज किया हुआ है मोटर लगा हुआ है बस आप बैलेंस करो वो अपने आप चलता रहेगा तो क्या बोल रहे देखिए गोल्ड स्टार लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने लगा आजकल अरे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा नहीं देखेगा अपने घर के आसपास टुक टुक हा टोटो सिंस जी एस एल डिडेंट एक्सपैंड द फैक्ट्री एरिया बोला देखो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाया लेकिन क्या हुआ फैक्ट्री एरिया नहीं बढ़ाया पोस्टार्टिंग असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिलोडक्शन फ्लोर लार्जली रिमेन्स ओवर ऑक्यूपाइड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ मटीरियल जिग्स एंड टूल्स सम ऑफ दर फ्रीक्वेंटली यूजफुल सम आर ऑफेन एंड अदर्स लेस ऑफ एन इवन समर क्वाइट रेयर जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है वर्कर यूजुअली कंप्लेन दैट ऑल कैटेगरीज ऑफ जिग्स एंड टूल्स आर नॉट अवेलेबल टूल्स विच आर अवेलेबल आल्सो ऑफ दो बिलोंग्स टू डिजाइन विच आर आउटडेटेड मेजोरिटी ऑफ सच प्रोडक्ट आर नॉट फर्दर मैन्युफैक्चर्ड बाय जीएसएल ऑल दो फ्लोर मैनेजर इज ऑफ ओपिनियन इंसटेड सेंग टूल्स आर नॉट अवेलेबल ट कैन बी सेट दैट दे आर नॉट एक्सेसेबल ये वर्ड को यहाँ पे काट दो तो एक्सेबल को बोल रहे कि आप ये मत बोलो कि टूल अवेलेबल नहीं है आप बोलो एक्सेसिबल नहीं है आप हम तो लाके दिए ही है आप लोग इधर उधर कर देते हैं बिकॉज वर्कर्स पिक द टूल फ्रॉम टूल किट और टूल बोर्ड बट नॉट प्लेस इट बैक आफ्टर यूज हेंस इट बिकम डिफिकल्ट टू लोकेट सच टूल लेटर और आईडेंटिफाई वर्कर विथ हुम दिज मे अवेलेबल Right, on name of maintenance department, there are only two staff members who are responsible for ensuring that every machine or equipment must be in running order and effective. Due to shortage of staff in maintenance department, requests for repairs of plant or machines are not handled within reasonable time frame, and same will result in sharp deterioration of utility or effectiveness of such plant or machine. टांसिस रिप्लेसमेंट बिकम रिमेन बिकम और रिमेन ओनली ऑल्टरनेटिव मतलब टाइम पे मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं स्टाफ कम है वहां पर तो इसलिए मजबूरी में फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है ओके जीएसएल हेज रीजनेबल स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल बिजनेस बट सीनेरियो इज वर्स इन केस ऑफ असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल since gsl is recently entered into assembly of electronic cycle, hence kpis are not established for all factors which are part of assembly process, including critical success factors. at gsl, the attrition rate of senior management position is quite high, and no formal hierarchy tree is established, which result in drastic shifts in workplace culture due to frequently changing role and responsibility. regarding safety of man and material, gsl is on front foot taking all reasonable care, care which is essential for purpose of eliminating any possibility of workplace accident but assembly line of electronic cycles witness an incident recently where one of the model x during assembly caught fire because wire set of x x2 hoga yahan par bhi x2 come into exposure of sparking from the light point near to such assembly line such fire causes burn of some other material too which are lying near to such assembly line post such incident ceo call for meeting with all the top tier executives majorly including production and operation manager safety staff maintenance staff and store manager apart from management accountant during the meeting while production and operation manager highlight some of problem areas management accountant quoted 5s as solution to problem faced by gsl ceo asked management accountant to be ready with report and presentation on 5s which can highlight the operational aspect of 5s you are deputy to management accountant and asked by him to prepare a case in form of report in favor of implementing or applying 5s at gsl and explaining the expected benefit from implementation of 5s 5s yeah, hai kya

सब्जेक्ट लिखना है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ फाइव एस एव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइव एस एंड इट्स एडवांटेजेस फिर आपको बताना है कि फाइव एस एक्चुअली एक सिस्टम है जिससे आप अपने टूल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिससे कि आपका ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े फाइव एस टीपीएम का एक पार्ट होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एक हिस्सा माना गया फाउंडेशन ऑफ टीपीएम उट फाइव एस यू कैनॉट थिंक ऑफ हैविंग प्रॉपर में रिप्लेस करना पड़ता है थीके? तो जैपनीज टर्म अगर याद नहीं हो तो उतना कोई खास बात नहीं है ओके okay? पहले देखिए आंसर में हमने यही बताया कि वॉट आर फाइव एस क्या है फाइव एस वगैरह रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट सो देट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवलीफिशेंटली एंड सेफली टोयोटा में खोजा गया था फाइव एस फाउंडेशन ऑफ एट पिलर्स ऑफ टीपीएम है फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है आई डोंट थिंक कि यह डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जरूरत हम लोग नीचे दिखेंगे ना सीधा डिस्क्रिप्शन ये पूरा आप रिक्वायर्ड नहीं है क्यों वापस से लिखेंगे हम एस पहला एस है सॉर्टिंग तो सॉर्टिंग में क्या करते हैं अनवांटेड चीजों को हटाते हैं जैसे इसमें एक सजेशन रहता है सॉर्टिंग करने का एक इलस्ट्रेशन है एग्जांपल आर वाई बी जी रेड येलो ब्लू ग्रीन मार्किंग कर दो रेड येलो ब्लू ग्रीन रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स ऐसा करके रेड येलो ब्लू ग्रीन का एक एग्जांपल है कि जिसका काम ही नहीं है नॉट नीडेड एट ऑल उसको रेड एरिया में डाल दो नीडेड बट नॉट नाउ उसको येलो में डाल दो नीडेड बट नॉट हियर उसको रेड एरिया में डाल दो समझ गए तो इस तरह से व्हाट यू कैन डू इज जैसे ये वाला आप ब्लू में डाल दो ग्रीन uh, में डाल दो ये ग्रेड टैग गलत है मान लो ग्रीन में डाल दिया आपने नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, इसको आप ग्रीन ब्लू uh, में डाल दो टू बी मूव टू ब्लू एरिया हा ये सजेशन है जस्ट ऐसे नहीं ध्यान रखना कि ये रूल है इट इज जस्ट अ सजेशन आर वाई वी जी का एक सिस्टम है आर वाई वी जी एक्चुअली फोर बेसिक कलर्स होते हैं रेड येलो ब्लू ग्रीन ओके तो रेड येलो ब्लू ग्रीन को लेकर आप बोलते हैं रेड येलो ब्लू ग्रीन से दुनिया में जितना कलर है सब कलर बनाए ओके okay? तो आर वाई वी जी बेसिक कलर्स में आते हैं उसके बाद आप उससे कुछ तरीका खोज लो ना सॉर्टिंग करने का कि मेरा ये जो बेस ज्यादा काम का है वो यहाँ पे जो नहीं काम का है वो यहाँ पे तो सॉर्टिंग करने का अलग तरीका बता रहा है फॉर परपज ऑफ डूइंग सॉर्टिंग जेस एल नीड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज रिक्वायर्ड हाउ मच रिक्वायर्ड वेन इट इज रिक्वायर्ड वेयर इट इज रिक्वायर्ड सॉर्टेड मटीरियल डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी कैन बी सेपरेटेड मेड रेडी फॉर मूवमेंट और शिफ्ट इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट द सॉर्टेड मटीरियल विजुअल इट टेक्निक कैन बी यूज बाय अटैचिंग कलर टैक्स टू इच कैटेगरी ऑफ मटीरियल कॉल्ड विजुअल सॉर्टिंग फॉलिंग टू कैटेगरीज कैन बी यूज रेड टैग क्या है अ कार्ड कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अनवॉन्टेड थिंग्स विदिन टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू भी टेकन येल्लो टैग क्या है कार्ड कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ नीडेड थिंग्स बट नॉट नाउ विदिवन टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू भी टेकन यूजअली कैप्ट इन द स्टोर नीडेड है बट नॉट रेडीली नीडेड ऐसा आप तरीका खोज सकते हैं मतलब डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिज एज अ रूल ये सब सजेशन दिए जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो तो इन एग्जाम इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑल दिस इट्स ओके देर इज नथिंग लाइक दैट यू कैन जस्ट राइट अप समथिंग लाइक यू कैन फॉलो अ टैक्स सिस्टम ओके फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स नीडेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट नीडेड यू कैन आइडेंटिफाई देम विद डिफरेंट कलर्स उसको रेड बॉक्स में डाल दीजिए कोई एक एरिया बना दीजिए उसमें रेड कलर कर दीजिए तो वहां पे रख दीजिए सॉर्टिंग का एडवांटेजेस क्या? क्या है बेनीफिट्स क्या है ऑप्सोलिट मटेरियल जो होगा वह अलग हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ऑप्सोलिट क्या है डिफेक्टिव क्या है स्क्रैप क्या है गलत जगह रखा हुआ है अननेसेसरी मटेरियल कितना है वो आपको मिल जाएगा

तो अगर सॉर्टेड मटेरियल होता तो वो सही जगह पड़ा होता तो आग लगने से कोई मटेरियल का लॉस नहीं होता नेक्स्ट सेकंड इज सेट इन ऑर्डर सेट इन ऑर्डर में अगेन फिर आपको बताया जा रहा है कि जिसका ज्यादा नीड हो उसको उस ऑर्डर में रखो फिर आर वाई बी जी को यूज कर लिया आर वाई बी जी क्या हुआ देखो रेड माने क्रिटिकल येलो माने रीऑर्डर ग्रीन माने डिजाइन ब्लू माने एक्सेस देखो वापस लिखा हुआ है मैपिंग ऑफ आर वाई जी बी टू फीचर इज प्योरली इलस्ट्रेटिव। ये फिर से एक एग्जाम्पल है सॉर्टिंग माने क्या हुआ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बाय इंश्योरिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस ओके कल इस पर एक वीडियो था मैंने अपने पूरे यहां पे टीम एसजीसी में शेयर किया था प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस देखते हैं जनरल डे टू डे लाइफ को लेके था एक बार ये क्वेश्चन को पहले खत्म करते हैं, फिर देखते हैं घर में भी यही सब होता है ना जो चीज को जहां रखना चाहिए वहां रखते नहीं है हु? और फिर भूल जाते हैं फिर खोजते रहते हैं तो पॉइंट यही है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस सब चीज का प्लेस होना चाहिए जैसे कोम्ब बाल बाके कहीं पे भी गिरा दिया चाबी को टांगना और चाबी को ऐसे रखना दोनों में टाइम बराबर ही लगता है बट टांग दोगे तो वापस जब चाहिएगा तो तुरंत मिल जाएगा और ऐसे रख दोगे तो वापस जब चाहिए होगा पूरा घर को खोज के निकालना होगा ठीक है नहीं तो प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस यही चीज बोल रहा है ओके तो ऐसे कोई सारा चीज होता है जो हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है कंप्यूटर में फाइल सेव करना आप डाउनलोड करते हैं फाइल नेम चेंज नहीं करते किस नाम से डाउनलोड होता है ध्यान नहीं रहता फिर खोज दे वापस डाउनलोड करो वापस डाउनलोड करो जैसे इनफैक्ट आप आर जैसे ये मान लीजिए ये आर आपको जो मिला ये आपको जो मेरे साथ फेस टू फेस में बैठे हैं उसको तो मैंने शीट दे दिया अब जो डाउनलोड मोड में कर रहे हैं हमारे साथ उनको ये आर का शीट आपको नेट से डाउनलोड करके करना है ठीक है यू डाउनलोड द शीट फ्रॉम नेट एंड देन यू डू now when you will download from institute website the file name will not be exactly rtp may 20 for scm so what happens every time you need the rtp you go to institute website and download because you have not saved it by proper name so you don't find it so every time what you do go to institute website and download so what you are doing is you're not following this 5s principle set in order just name it and place it in a place where you can find it again right so you can have a folder in your mobile phone for all such resources which are important for your examination okay so in order to implement systematic arrangement gsl need to consider and answer analyze status decide which things belong where

स्पेस सेविंग बाय सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ वर्क इम्प्रूवस एस थिंग्स आर अवेलेबल व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड दस ये वाला एस कैन सॉल्व स्पेसिफिकली प्रॉब्लम ऑफ नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ टूल्स जैसे ऊपर में एक समस्या बोला था ना क्वेश्चन में कि टूल्स एवेलेबल नहीं होते तो मैनेजर क्या बोला अवेलेबल नहीं होता ऐसा मत बोलो एक्सेसेबल नहीं होते तो एक्सेसिबल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एस टू है ठीक है यहाँ एस टू लिख देना एस टू फॉलो करो यानी सेट इन ऑर्डर करो सही जगह सब चीज को रखोगे तो सब मिलेगा है ना जैसे हम लोग का पेन हम लोग ले तो लेते हैं अभी आपका तो बॉक्स वॉक्स से चलो ठीक है बट हम लोग का कोई बॉक्स नहीं ना एक पेन लेते हैं एक यहां छूट जाता है एक वहां छूट जाता है एक घर पे रह जाता है जिस टेबल पे जाओ उस टेबल पे छूट जाता है होता है ना ऑफिस में ऐसा होता होगा पेन अपना पेन वापस लेके सही जगह नहीं रखते देर अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड वी डोंप एवरीबल सो यूल बाय द न्यू स्ट मेंस वाला मेंटेन नहीं कर पा रहा था तो क्या करा था रिप्लेस करा था ना बार बार यू बाईन यू वेस्ट लॉट ऑफ मनी नेक्स्ट शाइन शाइन मनी क्लीनिंग

तो इट विल सेव इन्वेस्टमेंट बाय लोअरिंग डाउन मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्लीन करके रखने से मेंटेनेंस का जरूरत कम पड़ता है नेक्स्ट आ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन हर एक चीज का ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए एसओपी बोलते रियल वर्ल्ड में इसको टू क्रिएट कंसिस्टेंसी एंड एंश्योर दैट ऑल स्टेप्स आर परफॉर्म करेक्टली जो भी स्टेप्स आपने बनाए वो हमेशा करेक्टली परफॉर्म किए जाए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जैसे क्लीन करने का तरीका होगा पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे पहले इसको साफ करेंगे पहले कपड़े से साफ करेंगे फिर कोई लोशन से साफ करेंगे ऐसा कुछ प्रोसेस बना दिया जाए और फिर उसको सस्टेन भी करवाना है और इसमें हम लोग बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो ऐसा तरीका जो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो सब कोई फॉलो कर पाए इंटीग्रेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टू रूटीन वर्क ओके दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन कोई भी ऊपर में भी जो सेट इन ऑर्डर शाइन और सॉर्टिंग आपने बनाया उसको अगर डेली रूटीन वर्क में इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका बेनिफिट नहीं है तो ये एक्चुअली सस्टेन्स रिलेटेड बात हो गई इन ऑर्डर टू इंश्योर टीपीएम ऑल फाइव एस आर एसेंशियल बट स्टैंडर्डाइजेशन इज की जीएसएल एस को ऑलरेडी देखो ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को लेकर एसओपी ओ बना हुआ नहीं है सी एस एफ नहीं है के पी आई नहीं है तो वो सब उसको जल्द से जल्द बनाना होगा वरना ये चलेगा नहीं हेंस बाय एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस जीएसएल कैन आइडेंटिफाई सी एस एफ एंड बेंच मार्क द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगेंस्ट ईच सी एस एफ फिर एक और ऐसे सस्टेन जिसमें आप मॉनिटरिंग करेंगे इम्प्रूविंग ऑनरशिप बाय एलोकेटिंग एरियाज यूजिंग फिर कोई रेड टैग कोई ऐसा तरीका कैंपेन विजुअल तरीका कोई आप यूज़ करिए कम्युनिकेटिंग विजुअली थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ ऑल इम्प्लॉयज़ पीरियोडिक ऑडिट मोटिवेटिंग स्टाफ रेकोगशन जो ज्यादा यह सब चीज फॉलो किया उसको मोटिवेट करो उसको रिकोगनाइज करके देखो ये कितना अच्छा रहता है इस सब चीज में मुझे लगता है कुछ तीन चार पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली मॉनिटरिंग और यहां पर यह तीन पॉइंट ज्यादा इजी टू रिमेंबर है सिंस फाइव एर्स इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इट इज एसेंशियल टू सस्टेन द प्रैक्टिस फॉलोड GSL एस the विटनेस attrition हाई at रेट एट टॉप मैनेजमेंट लेवल इट इज़ GSL must inculcate practice of मस्ट in प्रैक्टिस ऑफ and work इन द सिस्टम एंड वर्क कल्चर जैसे कि कोई नया आदमी भी आए तो एट्रिशन के कारण सिस्टम चेंज ना हो एट्रिशन होना मतलब टर्न ओवर चेंज ओवर आदमी छोड़ के जा रहा है इम्प्लॉ टर्न ओवर को एट्रीशन भी बोलते हैं तो सीनियर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा एट्रीशन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी आ रहा जा रहा है तो फाइव एस सिस्टम इतना रूट में कल्चर में चल जाना चाहिए कि कोई भी एट्रिशन हो रहा हो उससे भी उसको फर्क ना पड़े ठीक है सस्टेन के लिए मैंने आपको समझाया था ना ऑफिस में फाइव एस इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना जो वर्क प्लेस है सस्टेन करना चाहिए ना अपना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो बनाया साइन करने का सेट इन ऑर्डर करने का तो हम लोग जनरली क्या करते हैं बता ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठे बैठे खाते रहते हैं स्नैक्स कुछ ना कुछ निकाल के तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कीबोर्ड में चूरा चूरा साइड में घुस के फंस जाता है देखा ऐसा कभी नोटिस करना अगर आप ऑफिस में जनरली टेबल पे बैठे बैठे कुछ स्नैक्स खाते हैं तो बाकी जगह तो साफ हो जाता है बट एक कीबोर्ड में कचरा घुसा हुआ रह जाता है और हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते कि उसको हम साफ करें तो मेरे जो एम्प्लॉयर होते थे वो कभी भी किसी भी अपने सबॉर्डिनेट का कंप्यूटर में जाते थे ना तो सबसे पहले बोलते थे, तुम हटो और हटने के बाद पहले सबसे पहला काम कंप्यूटर उठाते ही क्या करते थे कीबोर्ड को लेते थे उल्टा करके पहले झड़काते थे, थे बोलते देखो क्या होगा हो अगर आप ऐसे साफ करके नहीं रखोगे तो होगा क्या खराब हो जाएगा कुछ अंदर फंस जाएगा कोई बटन काम नहीं करेगा अल सर की काम नहीं कर रहा है वो सब रिपेयर तो होता नहीं आजकल जाओ नया ले आओ रिप्लेस करो इफ यू डोंट क्लीन देर विल बी नीड ऑफ रिप्लेसमेंट सो इफ यू कीप इट क्लीन ऑलवेज इट विल हैव लॉन्ग लाइफ करेक्ट तो बेसिक चीजें हैं जिसको सस्टेन करना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सस्टेन करना सस्टेन करने के लिए पॉलिसी ऐसा बनाना होगा कि हर रोज सुबह सुबह आते वक्त पांच मिनट पहले अपना ये सब साफ सफाई कर लो जैसे हम लोग ड्राइवर को बोलते कई बार पॉलिसी बनाते भैया सुबह सुबह जैसे ही आओ आप जब आते हो उसके साथ साथ तुरंत तो हम नहीं आ जाते आपके लिए पांच मिनट सात मिनट तो मिलता ही है तब तक गाड़ी साफ ही कर लिया करो बाहर से थोड़ा सा कांच वाच पहुंच लिया करो कोई गाड़ी चलाना है तुम्हारे ही फायदा है सेफ्टी रहेगा तो हर ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे खाली हो गाड़ी साफ करके रखो है ना तो वैसे ही ऑफिस में भी सबके लिए लागू है घर में भी सबके लिए लागू है तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप सस्टेन कर सकें सस्टेन नहीं किया तो कोई भी पॉलिसी बनाया हुआ का फायदा नहीं है कल्चर में डालना पड़ेगा आदत बनाना पड़ेगा और सिक्स ऐसे सेफ्टी Which was added later on in order to ensure safety while performing all the remaining 5s एस so further details can be tabled on requisition basis bol बोल aur और भी डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर बोलिएगा मैं साइन कर रहा हूँ अपना रिपोर्ट ओके okay? तो ये लिखना मुझे नहीं लगता बहुत टफ था आपके लिए मैं तो ऐसे ही आपको वापस एक्सप्लेन करने चला गया मुझे लगता है कि आरटीपी का ये वाला क्वेश्चन आराम से लिखा जा सकता था चले आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इन टू थाउजेंड नाइन लक्सो हैड मोनोपोली इन आईवेयर मार्केट ऑफ अमेरिका बट द प्रॉब विद द कंपनी वॉज दैट इट वॉज सेलिंग वराइटी ऑफ आईवीयर बाय पुटिंग अ बिग प्राइस ऑन इट At present, there is almost nothing that you can't buy online, but at that time, there were limited things that you could order online. In 2009, RB Signer Inc. launched a website to sell eyeglasses online. Selling eyewear online and competing with Luxo was a challenge for RB. Within just four years, RB break the monopoly of Luxo and capture the major market of America. People find it really convenient to buy sunglasses and glasses online and get delivery at doorstep. Following the footstep of Luxo, AirB eliminated the middlemen from the manufacturing process, launched its own optical lab to have its own manufacturing process.

बट क्या होता है कई बार अपने अमेरिका में कोई सक्सेस को देखा और सोचते इंडिया में भी वही चलेगा ऐसा नहीं होता है आपका इंडिया में बिजनेस इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से चलेगा यहां पे जब तक हम आई वियर खुद पहन के नहीं देख ले दुकान में जाके वराइटीज ना देख ले हमें शांति नहीं मिलता लेंस कार्ड क्या करता है उसका वेबसाइट पे जाइए अपना फोटो लगाइए और आप चूज करते जाइए आपको अलग अलग आईवियर पहना के दिखा रहा है वो फील नहीं आ रहा ना पहन के देखा हुआ छू के नहीं देखा तब तक मजा नहीं आता है तो कितना चलेगा तो फिर जब बिजनेस मॉडल इनका चला नहीं तो इनको समझ न, में में आया स्टोर बिना इंडिया सक्सेस होगा नहीं तो फटाफट -फड़ चारों तरफ स्टोर खोलना शुरू किया अब चलने लगा आप सीधा बोलेंगे अरबी सिंगर को कॉपी करना है अरबी साइनर को क्योंकि वो ऑनलाइन में बीट कर गया लक्सों को जिसका मोनोपोली था तो हम लोग भी कर जाएंगे जरूरी नहीं है ना हर एक जगह का कंज्यूमर हैबिट सेम नहीं होता है ऐसा एक और केस आपको बताते हैं हॉलिक्स हॉलिक्स बच्चों के लिए आता है ना हाँ तो हॉलिक्स ने सोचा चलो थोड़ा सा और इंटीग्रेशन करते हैं और बच्चों को जब हॉलिक्स दे पा रहे तो जो प्रेग्नेंट वोमेन है और या लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चों को फीड करती है उनको भी तो न्यूट्रिशन का ज़रूरत है स्पेशल न्यूट्रिशन का तो उनके लिए हॉर्लिक्स बनाते हैं बनाया बहुत अच्छा प्रोडक्ट सोचो कितना डीप कंसर्न रखा बट इंडिया में वो बिका ही नहीं बच्चों वाला हॉर्लिक्स टिक बिकता है क्यों इंडियन सेंटिमेंट अलग है माँ बोलती है मैं अपने लिए क्या खरीदूंगी है कि नहीं वो बोलती है मेरे बच्चों के लिए जो हो बोलो मेरा तो चल जाएगा बिकता ही नहीं है वो पता ही नहीं ऐसा प्रोडक्ट भी है डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर भी फिर वो हॉलडिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करता डॉक्टर फिर कोई कोई न्यूट्रिएंट अलग तरह का प्रिस्क्राइब करता है तो वो लेती हैं और वो भी बच्चों के लिए होता है तो पहले ले लेती हैं और ऐसा नहीं कि पुरानी माओ का याद आता है इंडियन कल्चर में ये है कि आप अपने भी अपने सिचुएशन में भी थोड़े साल बाद जब जाएंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि आपने अपने मदर को वैसे ही सैक्रीफाइसिंग देखा तो आप भी वैसे ही चलाएंगे मतलब मेरा क्या छोड़ो बच्चों का ध्यान रखना है ठीक है तो हर बिजनेस अमेरिका में वो चल रहा है क्योंकि अमेरिका में क्या सिस्टम है अपना ध्यान रखो बच्चे देखा जाएगा कौन संभालेगा इसका हमको पता ही नहीं है मेरा लाइफ तो वहां पे मस्त चलता है वो सोचा कि चलो इंडिया में भी लॉन्च कर देते हैं गया इंडिया में चले ही नहीं तो सब चीज थोड़ी कोई कॉपी पेस्ट में चलेगा जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा करेक्ट तो विद इन जस्ट फोर इयर्स ये पूरा मोनोपोली तो ब्रेक कर दिया सब कुछ ले आया मिशन क्या है विजन क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ विथ आवर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन अ सोशली कॉग्निजेंट वे फिर विजन टू बी ट्रस्टेड हेल्थ केयर पार्टनर Objective care to offer people designer IVR at a revolutionary price. As a mission based brand, Arby needed a way to instill their team of employees with a passion for the mission. Arby let their employees know what they value and what the employee should value in who they are. This is important to set up what they do, why they do it as a core foundation of their brand story.

एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस स्कोर कार्ड एक बार आप इसको पढ़ो ओके okay? टारगेट और एक्चुअल को देखो और मुझे बताना गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ यस और नो लिखना है यस नो यस नो आपको सिखाया था पढ़ के समझना मैं हेल्प नहीं कर रहा हुआ क्या बोलो पहला वाला अचीव हुआ क्या हां नहीं हुआ फोर्टीन का थर्टीन तो अचीव नहीं हुआ नेट इनकम नेट इनकम एंगल्स अचीव हुआ आप नेट इनकम बढ़ा बट रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड घटा इसका क्या कारण हो सकता है कैपिटल इंप्लॉयड ज़्यादा हुआ ओके okay. फिर नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स बढ़े अचीव हुआ फिर कस्टमर रिटेंशन रेशियो गोल अचीव हुआ कम्प्लेन कम हुआ तो अचीव हुआ नंबर ऑफ ग्लासेस डोनेटेड बढ़ा तो अचीव हुआ इंटरनल प्रोसेस 100 का 110 प्रोसेस री हुआ ना ज़्यादा रीइंजीनियर हो गया इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा पर उसका बेनिफिट इनकम में आई गया नंबर ऑफ न्यू सर्विसेज मेड अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन अचीव नहीं हुआ इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड ऑन कस्टमर अकाउंट्स अचीव हुआ सीओ टू अमिशंस अचीव हुआ हुआ ना एमिशन तो कम होना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेन्ड अचीव नहीं हुआ नंबर ऑफ आवर्स यूज फॉर सपोर्ट यूज टू सपोर्ट सोशल प्लान्स paid for used to support social plans hmm? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बेनिफिशियल है कि क्या है जैसे नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड टू सपोर्ट सोशल प्लान्स ज्यादा आवर्स से सोशल प्लान को अपचीव करो तो ऐसा लग रहा है कि कॉस्टली हो गया इफ कॉस्टली तो अचीव नहीं हुआ ठीक है डोनेशन करना था ना सोशल प्लान तो उसको करने के लिए आवर्स ज़्यादा लग गए नंबर ऑफ ट्रेनिंग पोजिशन फ्रॉम रूरल एरियाज अचीव नहीं हुआ नहीं ग्लासेस डोनेटेड तो अच्छा है ना फ्लैंथ्रॉफी बढ़ रहा है तो कॉस्ट के एंगल से यहां पे नहीं बोला जाता कस्टमर परस्पेक्टिव में लर्निंग एंड ग्रोथ में ये कंफ्यूजन है कि यहां पे क्या है तो इसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लिख सकते हो तो अरबी सिंगरिटी सिंगर इन टू थाउजेंड 2019 ठीक है अरबी सिंगर बोल रहा हूं मैं बार बार साइनर है ओके okay? तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में बैलेंस स्कोर कार्ड यहां पे क्लियरली बना हुआ आपको दिख रहा है तो आपको करना क्या है हर एक परस्पेक्टिव में क्या इसी को सेंटेंस में लिख देना है कि फाइनेंशियल परस्पेक्टिव में हमने क्या सोचा था क्या हुआ अचीव हुआ गोल कि नहीं हुआ ऐसे सब के बारे में लिखते चलना है हर एक अंदर घुस घुस के एक एक के, के बारे में जैसे आप देख लो फाइनेंशियल परस्पेक्टिव में आर ओ सी के बारे में जिसका एक रीजन हो सकता है ना इन्वेस्टमेंट हैवी हुआ ऑन आईटी सिक्योरिटी जो इसका मिशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो नया चीज क्या था लिंक विथ आई टी सिक्योरिटी नया चीज क्या था मिशन से कनेक्ट कर दिया आपने फाइनेंशियल स्ट्रेटजी हमेशा मिशन से जुड़ा हुआ होता है फाइनेंशियल परस्पेक्टिव हमेशा आपका मिशन से जुड़ा हुआ होता है स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ होता है और वो इनकम के बारे में भी बोल दिया छ मिलियन डॉलर ज़्यादा हुआ कस्टमर परस्पेक्टिव में फर्स्ट टाइम बायर्स बढ़े कंप्लेन रिड्यूस हुआ डोनेशन एक्सीड हुआ विच इज गुड फॉर कंपनीज रेपुटेशन देखा इंटरनल प्रोसेस में री इंजीनियर्ड एक्सीडेड द टारगेट विच इज गुड और उसका इंपैक्ट कहाँ आया होगा देखो आपको लिंक से आंसर लिखना है ये चीज नया ध्यान देना ये मैंने पहले भी पढ़ा है आपको बैलेंस स्कोर कार्ड में कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इज लिंक टू फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इज लिंक टू स्ट्रेटेजी मिशन ठीक है फिर जितना फाइनेंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप इंटरनल बिजनेस सेटअप करते हो और कस्टमर को क्या क्या चाहिए वो आप मीट कराते हो अगेन इंटरनल बिजनेस के थ्रू कस्टमर एक बार लिंक रिकॉल कर लो सबसे पहले सोचना होता है स्ट्रेटजी क्या है वो मिशन बताया कंपनी का दूसरा सोचना होता है कि आपका फाइनेंस मिशन से कैसे कनेक्टेड है कितना फाइनेंस आपके पास अवेलेबल आप कमा कितना रहो जिससे आप अपना मिशन पूरा कर पाओ दूसरा कस्टमर को क्या क्या चाहिए बैलेंस कार्ड दो स्टेक होल्डर पर फोकस करता है शेयर होल्डर और कस्टमर तो शेयर होल्डर के लिए आपके पास क्या है उनको क्या चाहिए उस स्ट्रेटजी से अलाइंड है कि नहीं और कस्टमर को क्या चाहिए अब जो कस्टमर को चाहिए वो इंटरनल बिजनेस से लेके आना पड़ेगा और इंटरनल बिजनेस को करवाने के लिए इंप्लॉयी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी लर्निंग एंड ग्रोथ में जाना पड़ेगा करेक्ट और इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ का कैपेबिलिटी बढ़ाना इंप्लॉय का कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहिए तो आपका जो फाइनेंस का बात है यहां पर वो वापस यहां से कनेक्टेड है और कस्टमर परस्पेक्टिव यहां से कनेक्टेड है ऑल आर इंटरलिंक्ड इंडिपेंडेंट नहीं है ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तक लेके जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो फाइनेंस अपने आप सुधरेगा सेल बढ़ेगा और कस्टमर सेटिस्फाई करना है तो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस सेट करना होगा कस्टमर को कंप्लेन रिड्यूस करा के देना है तो वो कैसे हुआ होगा आपने प्रोसेस री इंजीनियर किया तो कंप्लेन रिड्यूस हो गए ओके, नंबर ऑफ फ्रॉड्स आपके कम हो गए न्यू सर्विसेज लिमिटेड इंट्रोड्यूस हुए जिसमें आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया बट सीओ टू आपने कंट्रोल किया ये इंटरलिंक समझाया मैंने एरो से कि यू शुड राइट विथ लिंक फाइनेंशियल इज लिंक टू मिशन

नंबर ऑफ इम्प्लॉइज ट्रेन टू इंस्ट्रक्ट रिटेलर्स आर कंपेरेटिवली लेसर देन द टारगेट नंबर ऑफ आवर्स यूज फॉर सोशल प्लान इजर इज हायर देखो क्या लिखा है इट रिजल्ट इन एडिशनल कॉस्ट विच कुड है फैक्ट दैट अरबी डिड नॉट क्वाइट मीट इट्स टारगेट आर ओ सी कॉस्ट कैंगल से आंसर दिया ना कि आप सोशल प्लान करने के लिए ज़्यादा आवर यूज कर लिए चैरिटी के लिए अगर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो इंटरनल वो ठीक नहीं है ना वो अपना रूरल वाला एरिया का टारगेट मीट नहीं कर पाया अब मीट नहीं कर पाया तो हो सकता ना वहां से आदमी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं कई बार ट्रेनिंग लेने में इन जनरल आरबी साइनर हैड सक्सेसफुल ईयर मीटिंग मेनी ऑफ इट्स टारगेट जनरल कमेंट भी दे दिया